The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high quality educational resources for free. मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर आपको मोलिक्यूल का ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा गिवन होगा और आपको स्पेक्ट्रा को रीड कर मोलिक्यूल के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोग निकाल सकते हो उसको निकालने की आप लोग कोशिश करते हो। इस कोर्स की स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था स्पेक्ट्रोस्कोपी का और वहाँ पर मैंने आपको तीन ऐसी कंडीशंस बताई थी जिसका ध्यान आपको रखना है जब भी आप लोग मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने वाले हो। नंबर वन, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। नंबर टू, सिलेक्शन रूल। नंबर थ्री, पॉपुलेशन रेशियो। और इन तीनों कंडीशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं CSIR नेट के अंदर, टीफर के अंदर या फिर गेट एग्जाम के अंदर, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अलग अलग मोशन में कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास एनर्जी लेवल्स होते हैं, इन एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप कितना होता है और एक ऑर्डर भी आप लोगों ने वहां पर याद किया। उसके बाद मैंने आपको कहा कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अगर आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालोगे तो उसकी वजह से कौन कौन से ट्रांजिशन हो सकते हैं और उस ट्रांजिशन से आप लोग कौन कौन सी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। इसके लिए मैंने आपको एक चार्ट दिया और आप लोगों ने उस चार्ट को भी याद कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट किया था और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी समझनी है तो आपको दो बातें पहले पढ़नी पड़ेगी। नंबर वन, आपके पास एक एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जिसको मैं लास्ट क्लास के अंदर कवर कर चुका हूं। उसके बाद आपको अपने मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करना भी आना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 5 ऑफ मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी तक हम लोग 4 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है। वहाँ पर आपको मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जहाँ से मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग कोई और चैप्टर्स पढ़ने हैं तो वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मैंने हर एक चैप्टर के लिए वहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अब बात करते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक एलिमेंट्री आइडिया दिया था कि आखिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए, क्योंकि एज सच डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में अंदर कहा था कि CSIR नेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि CO2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मैंने वो क्वेश्चन नहीं कराया, लेकिन मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूं कि CO2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो आपके पास एग्जाम में आ चुका है। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई लीनियर ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो उस केस में आप किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल सकते हो। तो एलिमेंट्री आइडिया आप लोगों ने ले लिया। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ना है तो आपको अपने मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, जिसके अंदर आप लोग बात करते हो स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल की, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल की, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की या फिर लीनियर मॉलिक्यूल की। तो आज इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करना सीखेंगे कि आखिर कौन से मॉलिक्यूल आपके पास स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल आपके पास एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल आपके पास सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं और कौन से मॉलिक्यूल आपके पास लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं। आज इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं केमिस्ट्री के अंदर, उनको आप लोग क्लासिफाई करना 110% सीख जाओगे कि आखिर कौन सा मॉलिक्यूल आपके पास किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। एक बार आपने कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, तो उसके बाद आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो काफी बेसिक लेक्चर होने वाला है आज का, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको अपने मॉलिक्यूल क्लासिफाई करना नहीं आया तो आप यही नहीं बता पाओगे कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो रोटेशनली एक्टिव है भी या फिर नहीं है। आज इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल आपके पास रोटेशनली एक्टिव होते हैं, यानी कि कौन से मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा दे सकते हैं और कौन से मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं दे सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के एंड तक आप लोग ये समझ जाओगे कि आखिर कौन से मॉलिक्यूल आपके पास रोटेशनली एक्टिव होते हैं और कौन से मॉलिक्यूल रोटेशनली इनएक्टिव होते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहां पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। जैसा कि आप लोग यहां पर हेडिंग को देख सकते हो, टाइप्स ऑफ रोटर मॉलिक्यूल, और सबसे पहला टाइप जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है वो है स्पेरिकल रोटर। कुल मिलाकर आपके पास 4 टाइप होते हैं, स्पेरिकल रोटर होता है, सिमेट्रिक रोटर होता है, एसिमेट्रिक रोटर होता है और आपके पास
लीनियर रोटर होता है। तो ये चारों के चारों टाइप बहुत आसान है, जो नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लेकिन उस नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको समझने के लिए आप लोग इस वीडियो लेक्चर को फॉलो कर सकते हो। तो जैसे जैसे मैंने आपको नोट्स में लिखा हुआ है वैसे वैसे आपको पढ़ना है और वैसे ही आपको चीज़ों को समझना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्फेरिकल रोटर मॉलिक्यूल ऑल थ्री मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर इक्वल। जब मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एलिमेंट्री आइडिया दिया था, मैंने आपके सामने वहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर दोबारा से लेकर चल रहा हूं। उस एग्जांपल में मैंने आपको कहा था कि आपके पास कोई चार पार्टिकल हैं, वो इस तरीके से कॉर्नर के ऊपर रखे हुए हैं एक रेक्टेंगल के। इनके बीच का मैंने डिस्टेंस आपको दिया था, यहां पर डिस्टेंस था 2 मीटर का और यहां पर डिस्टेंस था 4 मीटर का, और साथ ही साथ मैंने यहां पर आपको इनका मास भी गिवन था। आपको पता था कि ये वाला पार्टिकल आपका 1 kg का है, ये वाला आपका 2 kg का है, और ये वाला आपका 3 kg का है, और ये वाला आपका 4 kg का है। तो मास मैंने आपको गिवन था। उसके बाद आप लोगों ने 3 एक्सिस के अलोंग अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर इस एक्सिस को लिया था जिसको मैंने क्या कहा था, आई एक्स कहा था। उसके बाद आप लोगों ने इस एक्सिस को लिया जिसको मैंने क्या कहा था, आई वाई कहा था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इस एक्सिस को लिया था। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा। ये एग्जाम्पल मैं लास्ट लेक्चर के अंदर करवा चुका हूँ, कैसे मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था आई एक्स, आई वाई और आई जेड के अलोंग, जब आपके पास कुछ इस टाइप का एग्जाम्पल था जहाँ पर चार मॉलिक्यूल थे रेक्टेंगल के कॉर्नर के ऊपर रखे गए थे, एक साइड की लेंथ 2 मीटर थी और एक साइड लेंथ पास 4 मीटर थी। तो उस केस के अंदर जब मैंने 3 एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, वहां पर मैंने एक्सिस को बताया था कि आपके पास जो एक्सिस है वो आई एक्स, आई वाई और आई जेड है। मैंने यहां पर अपनी एक्सिस को आई वाई जेड की डोनेशन, एक्स वाई जेड की डोनेशन इसलिए दे दी क्योंकि यहां पर आपके पास जो एक्सिस थी ये तीनों के तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी। एक्स और वाई भी परपेंडिकुलर थी, वाई और जेड भी दूसरे क्या है परपेंडिकुलर है, और जेड और एक्स भी दूसरे क्या थी परपेंडिकुलर थी। तो यहां पर आप लोग इसे आई एक्स, आई वाई और आई जेड दे सकते हो क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर जो आपके पास ये 3 एक्सिस होती है, ये तीनों एक्सिस आपके पास कैसी होती है दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर आपने क्या कह दिया इसको आई एक्स, आई वाई और आपने यहां पर इसको आई जेड कह दिया। लेकिन आज की क्लास के अंदर मैं यहां पर आई एक्स, आई वाई और आई जेड का यूज ना कर आई ए, आई बी और आई सी का यूज करूंगा। आई ए का मतलब क्या है, आई बी का मतलब क्या है, आई सी का मतलब क्या है, उसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास जो आई ए है वो ए एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो आई बी है वो बी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो आई सी है वो सी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एक्स वाई जेड का यूज इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां पर आपके पास जो ए बी और सी एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकती है और परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकती है। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकती है इसीलिए मैं यहां पर इसका आई एक्स, आई वाई, आई जेड का यूज ना कर आई ए, आई बी और आई सी का यूज करूंगा। इसी लेक्चर के अंदर आगे आपको मैं बताऊंगा, कुछ एक्सिस भी आपको दिखाऊंगा, वहां पर आप लोग देख लेना कि यहां पर आपके पास जो एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। तो याद रखिएगा आप लोग यहां पर आई ए, आई बी और आई सी लेकर ही चलोगे। अगर आपके 3 एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो गया, इन स्फेरिकल रोटर मॉलिक्यूल ऑल 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर इक्वल, जनरली आप लोग 3 एक्सिस के अलोंग ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हो, और अगर 3 एक्सिस के अलोंग आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपका इक्वल निकल कर आ गया और एक भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं है, यानी कि आई ए भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, आई बी भी नॉट इक्वल टू जीरो और आई सी भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, उस केस के अंदर जो आपका मॉलिक्यूल है उसको आप लोग क्लासिफाई कर सकते हो एज ए स्फेरिकल रोटर। द स्फेरिकल रोटर मॉलिक्यूल हैव जनरली परफेक्ट सिमेट्री एंड पॉइंट ग्रुप कोरस्पॉन्डिंग टू दीज मॉलिक्यूल्स आर टी डी ओ एच एंड आई एच। अगर आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी को अभी तक पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि आप किस तरीके से अपने मॉलिक्यूल को पॉइंट ग्रुप असाइन करते हो। आपने वहां पर देखा होगा कि पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए सबसे पहले आप देखते हो कि क्या आपका मॉलिक्यूल के अंदर हाई सिमेट्री प्रेजेंट है, क्या उसके अंदर लो सिमेट्री प्रेजेंट है, उसके बाद आप लोग बढ़ते हो सी पॉइंट ग्रुप की तरफ, उसके बाद आप लोग बढ़ते हो डी पॉइंट ग्रुप की तरफ। तो इस तरीके से आप लोग पॉइंट ग्रुप निकालते हो। लेकिन यहां पर ग्रुप थ्योरी का ऐसा ज्यादा यूज नहीं होने वाला है, बाकी अगर आपको पॉइंट ग्रुप निकालने आते हैं तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए क्योंकि यहां पर हम लोग अपने मॉलिक्यूल को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, और सिमेट्री को आप लोग कहां पढ़ते हो ग्रुप थ्योरी के अंदर पढ़ते हो। तो अगर आपको ग्रुप थ्योरी अच्छे से आती है तो आप ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल क्लासिफाई करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। बट अगर ग्रुप थ्योरी नहीं आती है तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको C2 एक्सिस निकालनी आती है और अगर आपको C3 एक्सिस निकालनी आती है तो आपका काम यहां पर चल जाएगा। आप किस तरीके से यहां पर अपने मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करोगे, आप लोग क्लासिफाई कर पाओगे अगर आपको C2 और C3 एक्सिस निकालनी आती है तो कैसे करोगे उसको मैं अभी आगे आने वाली क्लास के अंदर आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर बात इंपॉर्टेंट यह है कि अगर आपका आई ए, आई बी और आई सी अगर आपका इक्वल हो गया तो उस केस के अंदर जो आपका मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल है वो आपके पास स्फेरिकल रोटर मॉलिक्यूल होगा। तो स्फेरिकल रोटर मॉलिक्यूल के पास जनरली क्या होती है, परफेक्ट सिमेट्री होती है। या तो आपके वो मॉलिक्यूल परफेक्ट टेट्राहेड्रल होंगे, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होंगे, या फिर वो IH की पॉइंट ग्रुप के अंदर आते हैं। IH का जो पॉइंट ग्रुप है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसका क्वेश्चन यहां पर नहीं आएगा। तो IH को आप लोग स्पेसिफिकली कहां पढ़ने वाले हो, ग्रुप थ्योरी के अंदर ही पढ़ने वाले हो। ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन भी नहीं आता है IH से, ज्यादा आपके पास कॉम्प्लेक्स या सिमेट्री हो जाती है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल से और टेट्राहेड्रल से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल P4, CCl4 एंड अदर टेट्राहेड्राइड, CH4, SF6, ये सारे के सारे पास आपके पास एग्जाम्पल है स्फेरिकल रोटर मॉलिक्यूल के, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट सिमेट्री के हैं। अगर मैं CH4 का आपको एग्जाम्पल हूँ तो CH4 आपके सामने कुछ ऐसा होता है, आप इस CH4 को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो H, और आपके पास यहाँ पर भी एक H होगा, यहाँ पर भी एक H होगा, यहाँ पर भी एक H होगा। अगर आप लोग अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालोगे, तीन एक्सिस यहाँ पर बनाओगे, तो इस एक्सिस के लोग जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसके बाद जो आपके इस एक्सिस के लोग जो आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसके बाद अगर आप लोग अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस एक्सिस से निकालोगे, तो तीनों एक्सिस से जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आएगा वो सेम निकल कर आएगा, और तीनों ही एक्सिस से नॉन जीरो निकल कर आएगा, और तीनों एक्सिस से इक्वल भी निकल कर आएगा। इसीलिए आपके पास ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, स्फेरिकल रोटर मॉलिक्यूल होता है। अब स्फेरिकल रोटर मॉलिक्यूल आपको कैसे क्लासिफाई करना है, क्योंकि आपके पास तो मॉलिक्यूल गिवन होगा, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या आपके मॉलिक्यूल के अंदर परफेक्ट सिमेट्री है, क्या उसके अंदर टेट्राहेड्रल सिमेट्री है, क्या उसके पास ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री है। अगर सिमेट्री है तो आप उसको डायरेक्टली क्या बोल देने वाले हो, स्फेरिकल रोटर मॉलिक्यूल बोल देने वाले हो। अगर आपके पास एग्जांपल आता है SF6 का, तो आप कहोगे कि SF6 की ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, परफेक्ट सिमेट्री यहां पर है, तो ये आपके पास कैसा मॉलिक्यूल है, स्फेरिकल रोटर मॉलिक्यूल है। एंड जनरली दीज रोटर्स आर रोटेशनली इनएक्टिव। अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल स्फेरिकल रोटर मॉलिक्यूल होता है तो वो आपके पास रोटेशनली इनएक्टिव होते हैं। इसका मतलब अगर आप लोग स्फेरिकल रोटर मॉलिक्यूल के ऊपर माइक्रोवेव रीजन की लाइट डालोगे तो रोटेशन एनर्जी लेवल्स के अंदर कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा, और अगर कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ तो कोई भी आपके पास निकल कर नहीं आएगा। लेकिन ये हर केस के अंदर पॉसिबल नहीं है, कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि आपके पास स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल जो है वो रोटेशनली एक्टिव हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, बहुत ही लंबी एक आपके पास पाइप है, लंबी पाइप के अंदर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, सीलेन पड़ा हुआ है, यानी कि SiH4 आपके पास मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो इसी को लेकर हम लोग यहां पर याद करेंगे। अगर इस पाइप के ऊपर आप लोग यहां से बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगाते हो, जैसे ही आप लोग यहां पर हाई प्रेशर लगाओगे, मान लीजिए आपके पास यहां पर एक बॉन्ड लेंथ थी, SiH की एक बॉन्ड लेंथ ये रही, SiH की एक बॉन्ड लेंथ ये रही, SiH की बॉन्ड लेंथ यहां पर होगी, SiH बॉन्ड आपके पास यहां पर होगी। अगर आप लोगों ने बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगाया तो इन बॉन्ड लेंथ के अंदर थोड़ा बहुत डेविएशन हो जाता है। अगर बॉन्ड लेंथ में डेविएशन हो गया तो सिमेट्री बिगड़ जाएगी, अगर सिमेट्री बिगड़ गई तो IA = IB = IC नहीं रहेगा, अगर वो इक्वल नहीं रहेगा तो आपका मॉलिक्यूल स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल ही नहीं रहेगा, और क्योंकि वो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल नहीं है इसीलिए वो रोटेशनली एक्टिव हो जाएगा। तो जब भी आप लोग अपने मॉलिक्यूल के ऊपर हाई प्रेशर लगाओगे तो उस केस के अंदर जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो चेंज हो जाती है, और उसकी वजह से आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेंज हो जाएगा। और अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, इसका मतलब आपका IA = IB हो गया, IC हो गया, तो इस केस के अंदर आपका मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, रोटेशनली एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ही है, बाहर से आपने यहां पर एक्सटर्नल कंडीशंस को लगाया है। SiH4 के ऊपर आपके पास एक्सपेरिमेंट हुआ था, और टीफर वाले ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढते हैं, टीफर वाला आपको क्वेश्चन दे देगा कि SiH4 मॉलिक्यूल के ऊपर आपने हाई प्रेशर लगाया तो क्या वो रोटेशनली एक्टिव है या फिर रोटेशनली इनएक्टिव है। तो अगर आप लोग सीधा देखोगे कि SiH4 की, तो आपके पास TD पॉइंट ग्रुप वहां पर आएगा, परफेक्ट सिमेट्री है, आपका रोटेशन मॉलिक्यूल का आपका क्या हो जाएगा, रोटेशनली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन वहां पर उसने कंडीशन गिवन है कि उसने वहां पर क्या लगा दिया है, हाई प्रेशर लगा दिया है। बट इन स्पेसिफिक कंडीशन लाइक एज व्हेन वी अप्लाई हाई प्रेशर यूजिंग ए लॉन्ग पाथ लेंथ, देन रोटेशनल स्पेक्ट्रा इन टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हैज बीन डिटेक्टिव। लॉन्ग पाथ लेंथ यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एग्जांपल देते हुए कहा था कि आपके पास यहां पर एक पाइप है, यानी कि लॉन्ग प्रेशर आप लोग काफी दूर से लगा रहे हो, काफी दूर से लॉन्ग आप लोग हाई प्रेशर लगाओगे तभी आपके बॉन्ड लेंथ के अंदर डेविएशन होगा। अगर आप लोग सिंपली किसी मॉलिक्यूल के ऊपर हाई प्रेशर लगाओगे तो आपका मॉलिक्यूल मूव कर जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसकी बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ को चेंज करने के लिए आपको बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, इसीलिए आप लोग यहां क्या लेते हो, लॉन्ग पाथ लेंथ, देन रोटेशनल स्पेक्ट्रा इन टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हैज बीन डिटेक्टेड। और किस मॉलिक्यूल में डिटेक्ट हुआ था, आपका डिटेक्ट हुआ था SiH4 के अंदर, तो इस एग्जांपल को आप SH याद कर लेना। अब बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी को। सेकंड कैटेगरी आपके पास हमने क्या लिखी हुई है,
सेकंड कैटेगरी आपके सामने है एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। अब एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल आपको कैसे ढूंढना है, आपने अभी पढ़ा है कि जिसके अंदर आपका आई ए इक्वल टू आई बी इक्वल टू आई सी होगा, तो इस केस के अंदर आपके पास क्या होने वाला है, तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे लेकिन तीनों के तीनों आपके पास नॉन जीरो होने चाहिए। इन एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल थ्री मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैव डिफरेंट वैल्यू, आई ए इज नॉट इक्वल टू आई बी इज नॉट इक्वल टू आई सी, लेकिन ध्यान रखिए ना तो आपका आई ए जीरो होना चाहिए ना ही आपका आई बी जीरो होना चाहिए और ना ही आपका आई सी जीरो होना चाहिए। दीज मॉलिक्यूल हैव सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ highest order with two fold rotation that is C2 axis like as H2O and N2 etc. अब कैसे आपको पता चलेगा कि आपका molecule asymmetric है कि आपका molecule symmetric है कि आपका molecule spherical है या फिर आपका molecule linear है। molecule का structure आपके सामने आएगा, आपको molecule का नाम given होगा, नाम से आपको क्या बनाना है, structure बनाना है, उसके बाद आप देखोगे कि अगर आपके molecule के structure के अंदर C2 axis present है, अगर C2 axis present है तो आपका molecule कैसा हो जाएगा, asymmetric हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको C2 एक्सिस देखनी है, अगर C2 एक्सिस है तो आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहां पर लिया हुआ है OH2 का, तो OH2 का आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। अगर आप लोग इसे इस एक्सिस से इस O को पकड़कर यहां पर इसे इस तरीके से घुमाओगे तो यहां पर आपको C2 एक्सिस देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर आप इस तरीके से घुमाओगे 90 डिग्री के ऊपर तो आपके पास सेम मॉलिक्यूल ही वापस निकल कर आ जाएगा, यानी कि यहां पर आपके पास C2 एक्सिस प्रेजेंट है। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर C2 एक्सिस है तो इसका मतलब वो कैसा मॉलिक्यूल आपके पास, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है। N2O भी यहां पर इसका एग्जांपल है और काफी सारे एग्जांपल आपके पास और भी हो सकते हैं। उसके बाद थर्ड कैटेगरी मैंने यहां पर लिखी हुई है सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। अब सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस अब ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल को आप लोग आगे भी क्लासिफाई कर सकते हो ओब्लेट और प्रोलेट के अंदर। ओब्लेट से और प्रोलेट से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया हुआ है लेकिन आने के चांसेस हैं, क्योंकि सिलेबस में यह लिखा हुआ है, तो आपको यहां पर इसको पढ़ना पड़ेगा कि आखिर ओब्लेट कैसे निकालते हो और आप लोग प्रोलेट कैसे निकालते हो। तो अगर आप लोगों ने एक बार समझ लिया कि आप लोग कैसे ओब्लेट और प्रोलेट को निकालते हो, उसके बाद लोग आराम से आप लोग इसको निकाल पाओगे। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है ऑल थ्री मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर नॉन जीरो, आपका ना तो आई ए जीरो के बराबर होना चाहिए, ना ही आपका आई बी जीरो के बराबर होना चाहिए, ना ही आपका आई सी जीरो के बराबर होना चाहिए। तीनों एक दूसरे के इक्वल थे, आपका मॉलिक्यूल बन गया था स्फेरिकल। तीनों एक दूसरे के नॉन इक्वल थे, आपका मॉलिक्यूल क्या बन गया था, सिमेट्रिकल। तो तीनों इक्वल भी हो चुका, तीनों नॉन इक्वल भी हो चुका, और अब आप कह रहे हो कि आपका नॉन जीरो भी, आपका ये जीरो भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस केस के अंदर आपके पास क्या होने वाले हैं कि आपके पास दो एक्सिस के लोग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा और तीसरी एक्सिस के लोग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, राइट। तो आपने यहां पर लिखा हुआ है ऑल थ्री मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर नॉन जीरो, टू ऑफ देम आर इक्वल एंड सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल मस्ट हैव थ्री फोल्ड और हायर ऑर्डर रोटेशन एक्सिस। अगर आपके मॉलिक्यूल के पास C2 एक्सिस है तो वो क्या बन जाता है, आपके पास एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन अगर उसके पास C3 है या फिर C3 से बड़ी, जैसे कि आपके पास C3 हो, C4 हो, C5 हो या फिर C6 हो, उस केस के अंदर आपका मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल हो जाएगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसके अंदर आपको अपने मॉलिक्यूल को क्लासीफाई करना था सिमेट्रिक है या फिर एसिमेट्रिक है, लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिक तो है लेकिन उसके अंदर से प्रोलेट है या फिर ओब्लेट है। प्रोलेट और ओब्लेट के ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, इसीलिए आने के चांसेस हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग काफी ध्यान से समझना और समझने के बाद ही आप लोग प्रोलेट और ओब्लेट को डिफाइन कर पाओगे, अदरवाइज आप लोग कभी भी नहीं कर पाओगे। यहां पर अगर आप तीन चार मॉलिक्यूल को याद भी कर जाओगे तो वो मॉलिक्यूल आपके पास एग्जाम के अंदर नहीं आने वाला है, एग्जाम में अलग मॉलिक्यूल ही आएगा। तो आपको कंसेप्ट को समझना यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने लिखा हुआ है ऑल थ्री मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर नॉन जीरो, टू ऑफ देम आर इक्वल एंड सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल मस्ट हैव थ्री फोल्ड और हायर ऑर्डर रोटेशन एक्सिस। अगर आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर C3 है, C4 है, C5 है या फिर C6 है, उस केस के अंदर डायरेक्टली आप लोग बोल सकते हो कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है। जैसे कि आपके पास जो C3 पॉइंट ऑफ ग्रुप है, DND पॉइंट ग्रुप है, D3H पॉइंट ग्रुप है, ये सारे के सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। बेसिकली आपको बस ये देखना है कि C2 है या फिर C2 नहीं है। अगर C2 है तो आपके पास बन जाता है एसिमेट्रिक, अगर C2 नहीं है तो बन जाएगा आपके पास सिमेट्रिक, और आपको वहां पर C2 नहीं है तो आपके पास कुछ और एक्सिस होगी, आपके C3 होगी, C4 होगी या फिर वो डी पॉइंट ग्रुप से भी बिलोंग कर सकता है। पॉइंट ग्रुप यानी कि ग्रुप थ्योरी को हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, वहां से आप लोग पॉइंट ग्रुप निकालना भी आराम से सीख जाओगे, ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, जल्दी आपकी पॉइंट ग्रुप आपकी जो ग्रुप थ्योरी वो कवर भी हो जाएगी। उसके बाद देयर कैन बी, मैंने यहां पर लिखा हुआ है देयर कैन बी टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इन विच टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर इक्वल, स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट डिवाइडेड मॉलिक्यूल इनटू टू क्लास ऑफ सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स एज ओब्लेट एंड प्रोलेट। अभी आपने कहा कि आपके पास तीन एक्सिस के अलोंग आप लोग क्या देखते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखते हो, आई ए आप लोग देखते हो, आई बी आप लोग देखते हो और आई सी आप लोग देखते हो। तीनों जब आपके पास इक्वल थे वो आप लोग देख चुके हो,
तीनों जब नॉन इक्वल थे वो भी आप लोग देख चुके हो। अब इस केस में आप लोग कह रहे हो कि आपके पास कोई दो इक्वल होंगे, यानी कि मान लीजिए कि जो आपका आई है वो आपके आई बी के इक्वल हो, या फिर आपके पास ये कंडीशन हो सकती है। तो दो कंडीशन आपके पास यहाँ पर हो सकती है, आपका आई ए और आई बी इक्वल हो और वो दोनों आपके पास आई सी के इक्वल ना हो। सेकेंड कंडीशन हो सकती है कि आपका आई ए और आई बी इक्वल हो और आई सी के इक्वल वो ना हो। तो ये दो कंडीशन आपके पास हो सकती है। अब इनमें से एक क्या है, ओबलेट है, एक क्या है, प्रोलेट है। अब कैसे आप लोग उसे डिफाइन करते हो उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर आईए के अलोंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आईसी के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट ने क्या किया, केमिस्ट्री को पढ़ने वाले केमिस्ट हो गए, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने वाले क्या हो जाएंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट हो जाएंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कहा कि आपने के पास यहाँ पर तीन एक्सिस के अलोंग क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आईए के अलोंग है, आईबी के अलोंग है और आपके पास आईसी के अलोंग है। तो आईबी को थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, आईबी की बात मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। आपने कहा कि जो आपके पास आईए है, ये आईए आपके पास वो एक्सिस है, द एक्सिस अलोंग विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम। उसने यहां पर ए एक्सिस को डिफाइन कर दिया कि ए एक्सिस वो एक्सिस होगी जिसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाला, आपके पास मिनिमम होने वाला है, और आईसी आपके पास वो एक्सिस होगी, द एक्सिस अलोंग विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मैक्सिमम। अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है तो आप लोग कह सकते हो कि यार इस एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इसके अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। तो जिसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उस एक्सिस को उसने क्या नाम दे दिया है, सी नाम दे दिया है। जिसके अलोंग आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसको उसने क्या नाम दे दिया है, ए नाम दे दिया है। इसका मतलब जो आपके पास IC है वो आपका हमेशा IA से बड़ा होगा, क्योंकि मैंने उसको डिफाइन कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आपका IC क्या है, द एक्सिस अलोंग विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मैक्सिमम। अगर इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम है और IA के अलोंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम है, तो ऑफकोर्स आपका IC जो है वो IA से हमेशा बड़ा ही होगा। इस तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट ने इसको डिफाइन कर दिया। उसके बाद जो आपका IB बच गया, जो आपके पास IB बच गया, अगर वो IB IC के बराबर है, अगर वो आपका IC के बराबर है IB, तो उस केस में आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, प्रोलेट हो जाता है। लेकिन अगर ये आपका IB जो है अगर ये IA के बराबर हो गया, तो इस केस के अंदर आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ओब्लेट हो जाएगा। अब कैसे आप लोग IA को निकालते हो, कैसे आप लोग IB को निकालते हो, कैसे आप लोग IC को निकालते हो, उसी का सारा खेल है। अगर आपने वो निकालना सीख लिया तो आप लोग आराम से बता पाओगे कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका ओब्लेट है और कौन सा मॉलिक्यूल आपके पास प्रोलेट है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ पर तीन एक्सिस थी, आई ए, आई बी और आई सी। आई ए वो एक्सिस है जिसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मिनिमम है। आई सी वो एक्सिस है जिसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मैक्सिमम है। तो आपके पास जब भी मॉलिक्यूल आएगा तो आपको वहाँ पर यह देखना है, आपको वहाँ पर ऐसी एक्सिस ढूंढनी है जिसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। और वो चीज़ आप लोग काफ़ी जल्दी कर सकते हो, मॉलिक्यूल को देखते ही आप लोग पहचान पाओगे कि किस एक्सिस के अलोंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है और किस एक्सिस के अलोंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, क्योंकि आपको मैंने एलिमेंट्री आइडिया दिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। एक बार मैं फिर से उस एग्जांपल के ऊपर आपको लेकर चलता हूं, आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे। ये एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया था और मैं कह रहा था, मान लीजिए ये एक्सिस की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, इस एक्सिस के लोग आप लोग क्या निकाल रहे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल रहे थे। इसको मैंने आई वाई डिफाइन किया था। आपको पता है कि जो आपका आई है वो क्या होता है, समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर होता है। कैसे निकालते हो, एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है, आर क्या है, उस पार्टिकल का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर आप लोग इस एक्सिस के अलोंग निकालोगे, सबसे पहले आपने बात की थी ए पार्टिकल की, तो ए पार्टिकल का मास आपके पास कितना है, 1 kg है। तो आप कैसे निकालते हो इसको, 1 आपने लिखा था, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है आर के स्क्वायर से। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और पार्टिकल और एक्सिस के बीच में। तो आपके पास ये डिस्टेंस कितना, आपके पास 1 meter था, और ये कैसा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आपने क्या किया, 1 × 1 का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद आप लोग बात कर रहे थे इस सेकंड वाले पार्टिकल की, थर्ड पार्टिकल की, और फिर आपने फोर्थ पार्टिकल की बात की, और इस तरीके से आपने अपने आई वाई को लिख दिया था। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं अपनी एक्सिस को ये वाली एक्सिस डिफाइन कर देता हूं और इस वाले केस के अंदर मैं क्या निकालना चाहता हूं, अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना चाहता हूं, और मैं इस एक्सिस को क्या बोल देता हूं, आई वाई डैश बोल देता हूं, क्योंकि आई वाई क्या है, पैरेलल है। अगर आप लोग इस एक्सिस के अलोंग अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना चाहते हो तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्या है, समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालते हुए। तो आपको चारों पार्टिकल के लिए अलग से निकालना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फर्स्ट पार्टिकल की, जिसका मास आपके पास कितना है, ये आपके पास क्या है, फर्स्ट पार्टिकल है। ये आपके पास जो है वो ए पार्टिकल है, इसका मास आपको कितना गिवन है, 1 kg आपको इसका मास गिवन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा, 1 × में अब डिस्टेंस देखते हैं पार्टिकल और एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो यहां पर जो ये एक्सिस है ये पार्टिकल के ऊपर से ही जा रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा इसका, यहां पर 0 हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर 0 का स्क्वायर लिखूंगा, प्लस आपके पास सेकंड पार्टिकल यहां पर ये रहा, मास कितना है, 2 kg है। आपके पास डिस्टेंस कितना, एक्सिस है, यहां पर जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा आपके पास, ये 2 meter का डिस्टेंस हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिखोगे यहां पर, इसको 2 × में 2
2 मीटर के आप लिखोगे, यानी कि 2 इंटू में 2 का स्क्वायर कर दोगे, यूनिट मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने लिख दिया, किसके लिए लिखा आपने, बी पार्टिकल के, किसके लिखा आपने, ए पार्टिकल के लिखा है। अगर मैं सी के लिखूंगा तो सी के लिए आप लोग क्या लिखोगे, मास कितना है 3 kg है और डिस्टेंस कितना है 0 है, तो ये आपका हो गया सी पार्टिकल के लिए। प्लस करोगे आप लोग डी पार्टिकल के लिए, तो यहाँ पर आपके पास 4 kg है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्सिस से आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 2 meter, तो आ जाएगा इसके यहाँ पर 4 × 2 का स्क्वायर। तो ऐसे आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो अगर आप लोगों ने एक्सिस को चेंज किया। ये एग्जांपल मैं आपको लेक्चर नंबर 3 के अंदर या फिर लेक्चर नंबर 4 में करा चुका हूं, तो आप लोग प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग अभी ये कौन सा एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देखिए, तभी आपको आने वाली क्लासेस समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक सीक्वेंस के अंदर चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, पूरा चैप्टर मैं आपको एक सीक्वेंस के अंदर पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप भी उसे सीक्वेंस के अंदर ही देखिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने पार्टिकल के ऊपर से एक्सिस को बना दिया, तो उन पार्टिकल के अलोंग आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आपके पास 0 हो जाता है, यानी कि इस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपकी एक्सिस मॉलिक्यूल के ऊपर से निकल गई या फिर एटम के ऊपर से निकल गई, तो उस एटम के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंट्रीब्यूशन होता है वो आपके पास 0 हो जाता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी चीज का हम लोग यहां पर यूज करेंगे और अपने डिफाइन करेंगे कि कौन सी एक्सिस आपके पास IA है और कौन सी एक्सिस आपके पास क्या है, IC है। IA वो एक्सिस है जिसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपके पास, मिनिमम होता है। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मिनिमम करना है तो आपको एक ऐसी एक्सिस ढूंढनी पड़ेगी जिसके अलोंग आपके पास काफ़ी ज़्यादा एटम इंक्लूड हो जाए, क्योंकि अगर वहाँ पर आपके पास एटम इंक्लूड हो गए तो उनका एटम का और एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर वो 0 हो गया तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो निकल जाएगा, कम निकल कर आएगा। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है एग्जांपल BF3 का, सबसे सिंपल एग्जांपल है, अभी तक प्रोलेट और ऑब्लेट से क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो जब भी ये आएंगे तो सबसे पहले आपको सिंपल मॉलिक्यूल ही गिवन होंगे। मैं आपको आज की क्लास के अंदर 4-5 मॉलिक्यूल कराने वाला हूं। सबसे पहले मैंने एग्जांपल यहां पर लिया है BF3 मॉलिक्यूल का, तो BF3 जो मॉलिक्यूल आपके पास है इसको देखते ही आप लोग पहचान पाओगे। आप लोग यहां पर कुछ भी एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो, मान लीजिए आप लोगों ने जो एक्सिस ड्रॉ की, एक एक्सिस आपने कर दी यहां से ड्रॉ, एक आपने बना दी यहां से ड्रॉ बना दी है, और एक आपने क्या कर दिया है यहां से ड्रॉ कर दिया है, तो तीनों एक्सिस क्या लोग अगर आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करोगे तो आपके पास सेम ही निकल कर आएगा, क्योंकि यहां पर सिमेट्री है। मान लीजिए कि मैं इसके अलोंग एक्सिस के अलोंग क्या निकाल रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल रहा हूं, तो एफ के ऊपर से जा रहा है एक्सिस, तो यानी कि इसका तो कोई भी कंट्रीब्यूशन यहां पर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यहां पर कम हो गया है। उसके बाद यानी कि इस एटम के अलोंग होगा और इस एटम के अलोंग होगा, बी के ऊपर से भी क्या जा रहा है एक्सिस जा रही, तो इसका भी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो इन दोनों को मैंने यहां पर हटा दिया, तो बस आपके पास क्या गया, एक एफ आपके पास यहां बच गया और एक एफ आपके पास यहां बच गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपके पास क्या है, समेशन ऑफ MIRI का स्क्वायर। कैसे निकालते हो आप लोग यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई लिखोगे। सबसे पहले बात कर रहा हूं मास ऑफ फ्लोरीन की, तो मैंने क्या कर दिया, मास ऑफ फ्लोरीन इनटू में आर का स्क्वायर करूंगा, तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोग देखोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसको यहां पर एक्स कह रहा हूं, तो ये वाला डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, एक्स ही हो, क्योंकि यहां पर सिमेट्री है। लेकिन ये जो आपके पास एक्स है, इस लेंथ को अगर मैं वाई बोलूंगा, तो ये जो लेंथ आपके पास एक्स है, डेफिनेटली ये एक्स जो है वो आपका वाई से कम ही होने वाला है। ये बात आपको डायग्राम को देखकर ही समझ आने वाली है कि अगर मैं यहां पर दो डिस्टेंस को देखूंगा, मैं यहां पर एक सीधा ड्रॉ करता हूं, और अगर आप लोग इस डिस्टेंस को देखोगे और अगर आप लोग इस डिस्टेंस को देखोगे, तो ऑब्वियस ही बात है अगर मैं इसको एक्स बोल रहा हूं, इसको वाई बोल रहा हूं, तो जो आपका एक्स है वो वाई से कम ही होने वाला है। तो इस तरीके से ही आपको कंपैरिजन करना है, और यहीं से आप लोग निकालोगे अपनी एक्सिस को कि किसके अलोंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। मॉलिक्यूल को देखते ही आप लोग मैक्सिमम और मिनिमम वाली इनर्शिया वाली लाइन को अपनी आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे इस केस के अंदर, मैं आपको वो समझा रहा हूं। लेकिन अगर मैं यहां पर कोई एक्सिस लेता हूं जो कि आपके पास प्लेन से बाहर निकल रही है, मान लीजिए मैं एक्सिस के अलोंग बात कर रहा हूं, BF यानी कि यहां पर आपके पास क्या है, बी है, यहां पर एक एफ है, इधर भी एक एफ है, इधर भी एक एफ है, मैंने एक्सिस क्या ले ली, ये वाली मैंने यहां पर एक्सिस ले ली है। तो सबसे पहले तो सीधी सी बात यह है कि अगर मैं इसको यहां से घुमाऊंगा, C3 एक्सिस में घुमाऊंगा, यानी कि अगर मैं इसको 120 डिग्री से घुमाऊंगा, इस एक्सिस को अलोंग यहां पर अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 120 डिग्री से इधर की तरफ घुमाऊंगा, तो आपके पास सेम मॉलिक्यूल वापस से निकल कर आ जाएगा, यानी कि इसके पास जो है आपके पास C3 एक्सिस है। अगर इसके पास C3 एक्सिस है तो ये आपके पास एसिमेट्रिक तो नहीं होगा, क्योंकि एसिमेट्रिक वाले के पास क्या होती है, आपके पास C2 एक्सिस होती है। अगर मैं यहां पर अबव द प्लेन कोई एक्सिस बना देता हूं और उसके अलोंग अगर मैं इस मॉलिक्यूल को घुमाऊंगा 120 डिग्री के ऊपर, तो आपके पास सेम मॉलिक्यूल वापस से निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब इसके पास C3 एक्सिस है, और अगर इसके पास C3 एक्सिस है तो ये मॉलिक्यूल आपके पास क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। अब आपको इसको क्लासिफाई करना है एज ए प्रोलेट और एज ए ऑब्लेट, तो उसको करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, IA को निकालना पड़ेगा और आपको IB को निकालना पड़ेगा।
पड़ेगा, IC को निकालना पड़ेगा। IE आपके पास कौन सी एक्सिस है जिसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मिनिमम है, तो या तो मिनिमम वाली को निकाल लो या फिर आप लोग मैक्सिमम वाली को निकाल लो। तो एक बात तो पक्की है, अगर आप लोग यहाँ पर इस एक्सिस को बनाओगे, आउट ऑफ द प्लेन में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और इस एक्सिस के अलोंग अगर आप लोग यहाँ पर इस, मान लीजिए आपके पास BF3 मॉलिक्यूल ये रहा, बी आपके पास यहाँ है, F ये रहा, मैं यहाँ पर इस एक्सिस की बात कर रहा हूँ, अगर इस एक्सिस के अलोंग अगर आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो आप लोग कैसे निकाल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, I=mir का होल स्क्वायर। ये आपके पास बी के बीच में से घूम रहा है, अगर ये बी के बीच में से घूम रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए एक एटम आपके पास ये रहा, एफ एटम ये रहा, और इस एक्सिस के अलोंग जो कि आपके प्लेन से बाहर निकल रहा है, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा जो इसकी बॉन्ड लेंथ के बराबर है, मान लीजिए क्या है ये आर है, और जो डिस्टेंस बी और एफ के इस वाले बीच में होगा वही डिस्टेंस आपका बी और इस एफ वाले बीच में होगा, और वही डिस्टेंस आपका बी और इस वाले एफ के बीच में होगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, मान लीजिए एम ऑफ एफ कर रहा हूं आर का स्क्वायर प्लस एम ऑफ एफ कर रहा हूं आर का स्क्वायर कर रहा हूं प्लस एम ऑफ एफ कर रहा हूं और आर का स्क्वायर कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल सकते हो। उसके बाद जो एक्सिस आप लोगों ने यहां पर सेकंड एक्सिस ली थी जिसकी आप लोग बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि मैं इस बॉन्ड के थ्रू अगर मैं एक्सिस डालूंगा तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I=mOf, यहां पर आपके पास सिर्फ दो ही एफ एक्टिव रहेंगे, इस एफ को आप भूल जाइए और इस बी को भी आप लोग भूल जाइए क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर से ही जा रहे हैं, राइट। तो आपके पास डिस्टेंस मान लीजिए कि आपके पास वाई डिस्टेंस है, ये भी आपका डिस्टेंस क्या होगा, वाई होगा, तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा MFy का स्क्वायर प्लस MFy का स्क्वायर। और एक चीज आप लोग ध्यान में देखकर बता सकते हो कि इस एक्सिस के अलोंग जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम निकला है जिस केस में आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, क्योंकि लास्ट केस के अंदर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल रहा था, I=mOf का आर स्क्वायर प्लस MOf का आर स्क्वायर प्लस MOf का प्लस एम ऑफ एफ का आर स्क्वायर प्लस एम ऑफ एफ का आर स्क्वायर। और आप ये भी कह रहे थे कि जो आपका आर है वो आपका वाई से बड़ा है, अगर आपका आर वाई से बड़ा है तो इस केस के अंदर जो आपका ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आपके पास बड़ा निकल कर आएगा, यानी कि BF3 मॉलिक्यूल के अलोंग जो आपके पास ये बाहर की तरफ जो एक्सिस निकल कर आ रही है, इस एक्सिस के अलोंग जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है वो आपका मैक्सिमम निकल कर आ गया, इससे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मॉलिक्यूल का किसी भी एक्सिस के अलोंग नहीं निकल कर आएगा। और वो एक्सिस आपको बाहर से ऐसे भी देखने को मिल रही है कि अगर मैं यहां से इस आउट ऑफ द प्लेन को एक्सिस बना देता हूं तो आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मैक्सिमम निकल कर आएगा, यानी कि आप लोगों ने यहां पर आईसी को निकाल लिया। अब आईसी को आपने निकाल लिया, आप कह रहे हो कि आईसी क्या है, मैक्सिमम है, तो क्या होगी, ये ग्रेटर देन होगी, और बाकी दोनों एक्सिस को आप लोग क्या कर दो, इक्वल कर दो। आपको या तो मैक्सिमम निकालना है या तो आपको मिनिमम निकालना है, अगर मैक्सिमम निकल गया तो उसके हिसाब से चलो, मिनिमम निकल गया तो उसके हिसाब से चलो। इस केस के अंदर आपका मैक्सिमम निकल गया है, सी के अलोंग आपने इसको क्या नाम दे दिया है, इस एक्सिस को आपने आईसी नाम दे दिया है, तो बाकी दोनों एक्सिस के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल करना पड़ेगा। अगर आपको वो इक्वल करना है तो आप लोग यहां पर एक्सिस को डिफाइन कर सकते हो, एक एक्सिस आप लोग बोल दो ये वाली है मेरी, ये मेरी क्या है आई बी है, और ये वाली मेरी क्या है आई ए है। इस तरीके से आप लोग बाकी दोनों एक्सिस के अलोंग क्या कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वल कर दो, तो आपके पास यहां पर कंडीशन आ जाएगी जो आपका आई सी है वो बड़ा है और जो आपका आई ए है वो आपका आई बी के बराबर है। अगर ये कंडीशन आपके पास आ गई तो इस केस के अंदर आपका जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो जाता है, आपके पास ओब्लेट मॉलिक्यूल हो जाता है। इसका मतलब जो बी एफ थ्री मॉलिक्यूल है वो आपके पास एक ओब्लेट मॉलिक्यूल है। सबसे पहले तो वो सिमेट्रिक रोटर है और सिमेट्रिक के अंदर वो क्या सा आपके पास ओब्लेट मॉलिक्यूल है। अब एक और एग्जांपल समझते हैं कि आप लोग किस तरीके से प्रोलेट और ओब्लेट को डिफाइन कर सकते हो। मान लीजिए आपके साथ यहां पर मॉलिक्यूल क्या है, CH3I, मैंने यहां पर मॉलिक्यूल ले लिया, आपको यहां पर मॉलिक्यूल का नाम गिवन होगा, उससे आपने क्या कर लिया, स्ट्रक्चर को आपने ड्रॉ कर लिया। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या आपके मॉलिक्यूल के पास C2 एक्सिस है या फिर C2 एक्सिस नहीं है। C2 एक्सिस का मतलब ये होता है कि क्या आप किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर अपने मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे घुमाओगे और आपके पास सेम मॉलिक्यूल वापस से निकल कर आ जाए, तो उस केस के अंदर आपके मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, C2 एक्सिस होता है। जैसे कि आपके पास यहां पर H2O का मॉलिक्यूल था, तो अगर आप लोग यहां पर इस एक्सिस के अलोंग अपने मॉलिक्यूल को 180 डिग्री घुमाओगे, मान लीजिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं HA बोल रहा हूं, इसको मैं क्या बोल रहा हूं HB बोल रहा हूं, जैसे मैं इसको 180 घुमाऊंगा तो आपके पास मॉलिक्यूल क्या निकल के आ जाएगा, HB जो है वो यहां आ जाएगा और HA जो आपके पास यहां पर आ जाएगा और एक्सिस आपके पास ये रही। तो HA और HB तो मैंने डिनोट कर रखा है, बाकी जो आपका हाइड्रोजन है वो सेम हाइड्रोजन इधर की तरफ आ गया, तो आपके मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब H2O के पास क्या है, C2 एक्सिस है। तो C2 एक्सिस देखने का सबसे बढ़िया तरीका यह कि अपने मॉलिक्यूल को किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर आपने 180 डिग्री घुमाया है और आपके पास सेम मॉलिक्यूल वापस से निकल कर आ गया, इसका मतलब वहां पर आपके पास क्या है, C2 एक्सिस प्रेजेंट है। लेकिन ऐसी कोई भी एक्सिस आपको इस मॉलिक्यूल के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है आपके पास, C3 एक्सिस है। यानी कि अगर आप लोग इस एक्सिस के अलोंग जो CI बॉन्ड के अलोंग आप लोग घुमाओगे इसको C3 एक्सिस के अलोंग, तो आपके पास सेम मॉलिक्यूल ही वापस देखने को मिलेगा।
ये मॉलिक्यूल के अंदर और आपके पास जो NH3 मॉलिक्यूल है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। NH3 भी आपके पास इसी टाइप का मॉलिक्यूल है, बस आई की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास लोन पेयर हो जाएगा। आपको पता है कि NH3 की जो है वो C3 पॉइंट ग्रुप होता है, तो उसी तरीके C3 उसके अंदर एक्सिस होती है, उसी तरीके से आपके पास CH3I के अंदर भी क्या होगा, C3 एक्सिस होगी, और इसीलिए आपके पास मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब सिमेट्रिक तो आपने निकाल लिया, अब सिमेट्रिक के अंदर प्रोलेट है या फिर ऑब्लेट है उसको भी आपको निकालना है। उसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना होगी कोई ऐसी एक्सिस जिसके अलोंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल कर आ जाए, या तो मैक्सिमम निकल कर आ जाए या फिर वो मिनिमम निकल कर आ जाए। अभी आपने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास यहां पर चार पार्टिकल हैं, जो मैं सेम एग्जांपल दोबारा ले रहा हूं, आपके पास यहां पर चार पार्टिकल थे, अगर आप लोग कह रहे थे कि मान लीजिए कि आप लोग इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने में इंटरेस्टेड थे, तो उस केस में यहां पर क्या आ रहा था आपको कि जिस भी पार्टिकल को एक्सिस के नीचे जो भी पार्टिकल होता है, इस पार्टिकल का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि एक्सिस का और पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, जीरो हो जाता है। उसी तरीके से अगर मैं इस मॉलिक्यूल के अंदर से यहां से CI बॉन्ड से अपनी एक्सिस को गुजारूंगा, तो आपके पास कार्बन का और हाइड्रोजन का कॉन्ट्रीब्यूशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है समेशन ऑफ MIRI का स्क्वायर, यानी कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है और साथ ही साथ वो मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। और अगर आप लोग इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपके पास तीन तो हाइड्रोजन के एटम है और एक आपके पास क्या है, आयोडीन का एटम है, और आयोडीन का मास हाइड्रोजन वाले एटम से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आपको एक्सिस लेनी है, मान लीजिए आप लोगों ने ये एक्सिस ली या फिर ये एक्सिस ली, कुछ भी आपने एक्सिस लिया, तो उस केस के अंदर आपका जो आयोडीन है ये कंट्रीब्यूट करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो इस एक्सिस के लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, यहाँ पर भी कोई ना कोई डिस्टेंस आएगा, तो हर केस में कोई ना कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है। इसका मतलब आपका आयोडीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई ऐसी एक्सिस ले ली जो इस कार्बन और आयोडीन के बीच में से घूम रही है, तो उस केस के अंदर जो आपका आयोडीन है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अगर आयोडीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा और आयोडीन का मास बहुत ज्यादा होता है, तो उस एक्सिस के अलोंग जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आएगा वो मिनिमम निकल कर आएगा। तो इस केस के अंदर आप लोगों ने ऐसी एक्सिस ढूंढ ली है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मिनिमम है। यानी कि आप लोगों ने ऐसी कौन सी एक्सिस आपके पास ये जो कार्बन और आयोडीन से यहां पर निकल रही है, ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है 2D के अंदर। अगर आप लोग 3D में बनाओगे आपके पास डायग्राम कैसा आएगा, सी के ऊपर यहां पर आई यहां पर होता है, एच आपके पास इधर होगा, एक एच मान लीजिए अबव द प्लेन है और दूसरा आपके पास क्या है, बिलो द प्लेन है। तो अगर आप लोगों ने एक्सिस को CI बॉन्ड के थ्रू घुमाया, मान लीजिए यहां से आप लोगों ने क्या निकाल दिया, अपनी एक्सिस को निकाल दी है, जैसे ही आप लोग यहां से अपनी एक्सिस को निकालोगे, उस केस के अंदर आपके पास आयोडीन का और कार्बन का रोल खत्म हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर, क्योंकि उसके ऊपर से आपकी एक्सिस जा रही है। तो आपके पास सिर्फ ये डिस्टेंस आपको देखना है, आपको ये डिस्टेंस आपको यहां पर देखना है और आपको ये डिस्टेंस आपको यहां पर देखना है। डिस्टेंस कुछ भी हो, मास हाइड्रोजन का बहुत कम होता है तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल कर आएगा, काफी ज्यादा कम निकल कर आएगा, क्योंकि आयोडीन का मास आप लोग यहां पर नहीं ले रहे हो। इसके अलावा अगर आपने कोई भी एक्सिस ली तो आपको आयोडीन का मास इंक्लूड करना पड़ेगा, और आयोडीन का मास बहुत ज्यादा होता है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि जो एक्सिस आप लोगों ने भी डिफाइन की है, ये जो एक्सिस आपने भी डिफाइन की है, इस एक्सिस के अलोंग जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपके पास क्या निकल कर आएगा, आई मिनिमम निकल कर आएगा। अगर ये मिनिमम निकल कर आएगा तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, आई ए बोलोगे। यानी कि इस केस के अंदर आप लोगों ने आई ए को डिफाइन कर दिया, राइट। अगर आप लोगों ने आई ए को डिफाइन कर दिया जिसके अलोंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मिनिमम है, इसके अलावा कोई और एक्सिस आपको मॉलिक्यूल में नहीं मिलेगी जिसके अलोंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना कम निकल कर आएगा। अगर आपका आई ए निकल गया है तो आप लोग बाकी दोनों क्या कर दो, इक्वल कर दो। अगर आपको दोनों को इक्वल करना है तो कैसे करोगे आप लोग, एक एक्सिस यहां से घुमा दो और एक एक्सिस आप लोग यहां से डाल दो, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल कर आएगा, सेम निकल कर आएगा। तो इसको बोल देता हूं मैं आई बी, इसको क्या बोल दूंगा, आई सी बोल दूंगा, और आपके पास आई ए क्या है, जो आपका सी और आई के बीच में घूम रहा है। तो आपने पहले क्या निकाला, आई ए को निकाला जिसका क्या सबसे ज्यादा मिनिमम है, और आपने बाकी दोनों क्या कर दिया, दूसरे के इक्वल कर दिया। तो इस केस में जो आपका मॉलिक्यूल है वो क्या बन जाएगा, आपके पास प्रोलेट बन जाएगा। तो ऐसे आपको डिफाइन करना है अपने मॉलिक्यूल को कि क्या वो मॉलिक्यूल पहले तो सिमेट्रिक है, अगर वो सिमेट्रिक है तो क्या वो ऑब्लेट है, क्या वो प्रोलेट है, ऐसे ही आप लोग यहां पर डिफाइन करते हो। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर चलता हूं, एग्जांपल मैंने ले लिया किसका, बेंजीन का। तो बेंजीन को देखते ही आपको एक्सिस दिख जाएगी जो आप लोग सेंटर से लेकर आओगे, और मान लीजिए मैं अबव द प्लेन, ये मान लीजिए आपके पास जो बेंजीन है इस पेपर के ऊपर, इस हाथ के ऊपर आपके पास जो बेंजीन बनी हुई प्लेनर बेंजीन है, और मैं यहां पर इस एक्सिस को ले रहा हूं, बिल्कुल सेंटर से निकाल रहा हूं इसको, मैं यहां पर ले रहा हूं। अगर इस एक्सिस के अलोंग आप लोग मॉलिक्यूल को 60 डिग्री के ऊपर रोटेट करोगे तो आपके पास सेम मॉलिक्यूल वापस से निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब बेंजीन के अंदर आपके पास कैसी आपके पास एक्सिस होती है, C6 आपके पास एक्सिस होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस
होगी, कैसी होगी, वो C6 होगी। अब ये C6 C2 से बड़ी है, अगर ये C2 से बड़ी है तो आपका मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, आपका जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। अब हमें डिफाइन करना है कि जो आपका ये मॉलिक्यूल है ये आपके पास प्रोलेट है या फिर आपके पास ऑब्लेट है। तो आप लोग अपने मॉलिक्यूल के अंदर ऐसी एक्सिस ढूंढिए जिसके अलोंग या तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होने वाला है या फिर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होने वाला है। मैक्सिमम तब होगा जब सारे के सारे एटम कंट्रीब्यूट करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर, मिनिमम तब होगा जब आपको कोई ऐसी एक्सिस मिल जाए जिसके अलोंग आप जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो वहां पर आपके पास मैक्सिमम एटम क्या हो जाए, कंट्रीब्यूट ना करें। तो आप लोग कह सकते हो आपके पास यहां पर एक्सिस ये भी हो सकती है, एक एक्सिस आपके पास ये भी हो सकती है जो दोनों कामों से निकल रही हो, एक एक्सिस आपके पास ये भी हो सकती है, एक एक्सिस आपके पास ये भी हो सकती है, और एक आपके पास कैसे हो सकती है, मान लीजिए बेंजीन आपके पास यहाँ पर है और एक्सिस आपने कहाँ ले ली, आउट ऑफ प्लेन ले ली। तो जब आप लोग अपनी एक्सिस को आउट ऑफ प्लेन लोगे सेंटर से, यानी कि जब आप लोग इस एक्सिस की बात कर रहे हो जो मैंने कैसे ले ली है, बाहर की तरफ ले ली है, आउट ऑफ प्लेन ले ली है, इसको मैं इस तरीके शो कर रहा हूं, तो उस टाइम के अंदर आपके पास सारे के सारे मॉलिक्यूल, सारे के सारे जो आपके पास ये एटम है, ये वाला कार्बन एटम भी, ये वाला एटम भी, ये वाला एटम भी, ये भी और ये भी, सारे के सारे एटम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद ये जो डिस्टेंस इनके बीच में है, डिस्टेंस भी क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम ही होगा। ये डिस्टेंस आप लोग देख लीजिए, ये डिस्टेंस ये देख लीजिए, ये डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये भी क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये भी क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस, और ये भी आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब जो आपने अभी एक्सिस ड्रॉ की है, जो आपने आउट ऑफ द प्लेन एक्सिस को ड्रॉ किया है, इस एक्सिस के अलोंग आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या निकल कर आ गया, मैक्सिमम निकल कर आ गया। तो इसको आप लोग क्या डिफाइन कर दोगे, IC डिफाइन कर दोगे। तो मैक्सिमम वाली आप लोगों ने निकाल ली है, उसके बाद बाकी दो एक्सिस आपको ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जिसके अलोंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाने वाला है, इक्वल होने वाला है, वो आपको ढूंढनी ही पड़ेगी। तो आप लोग कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए आप लोगों ने ये दोनों ले ली है, या फिर आप दोनों ने इन दोनों को आप लोगों ने डिफाइन कर दिया, इसको आपने क्या बोल दिया, IB बोल दिया, इसको आपने क्या बोल दिया, IA बोल दिया। तो आपके पास कंडीशन बन जाएगी, IC आपने ढूंढी है उसका सबसे मैक्सिमम है, और IB और IB का इक्वल है, यानी कि क्या है आपके पास, ये ऑब्लेट है। तो जो बातें मैंने आपको यहां पर अभी समझाई है वो सारी की सारी बातें मैंने यहां पर लिखी हुई है। टू डिटरमाइन ऑब्लेट एंड प्रोलेट सिमेट्री वी हैव टू आइडेंटिफाई IC और IA बाय टेकिंग ऑल पॉसिबिलिटी इनटू कंसीडरेशन। आपको मॉलिक्यूल को देखते ही या तो IA को ढूंढना है या फिर आपको IC को ढूंढना है, और मॉलिक्यूल को देखते ही आपको वो IA या फिर IC आपको मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको वहां पर नहीं आएगी। इफ वी आइडेंटिफाई वन ऑफ दीज वी हैव टू चूज दोज एक्सिस इन विच टू अदर्स आर सेम। आपको दोनों एक्सिस को बाकी को बराबर करना ही पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था BF3 मॉलिक्यूल के केस के अंदर। तो इस केस के अंदर आप लोगों ने इस वाली एक्सिस को निकाला था जो कि आपके पास B से कहां निकल रही है, प्लेन के बाहर निकल रही है। इस वाली एक्सिस को आप लोगों ने चूज किया था और आप कह रहे थे कि इसके अलोंग जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या निकल कर आ रहा था, मैक्सिमम निकल कर आ रहा था। IC को आपने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया था। उसके बाद आप लोगों ने बाकी दोनों एक्सिस को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। जो आप लोगों ने एक एक्सिस आपने ये ले ली है और दूसरी आपने क्या ले ली है, ये वाली ले ली है। तो IC की बड़ी है और IA IB आपका इक्वल, तो कैसे मॉलिक्यूल आपका हो जाएगा, ये ऑब्लेट हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया था, बेंजीन का भी लिया था एग्जांपल मैंने। तो मैंने उस केस में कहा था कि जो आपके पास यहां पर आउट ऑफ द प्लेन सेंटर से जो आउट ऑफ द प्लेन एक्सिस निकल रही है, इस एक्सिस के अलोंग आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो क्या था, मैक्सिमम था। तो IC को आप लोगों ने डिफाइन कर दिया। उसके बाद IA और IB आपने अपनी तरफ से ऐसी दो एक्सिस ली जिसके अलोंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, बराबर था, और इस कंडीशन को आप लोग क्या बोलते थे, ऑब्लेट बोलते थे। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल लिया था CH3I का, और उस केस के अंदर आप लोगों ने एक ऐसी एक्सिस ढूंढी थी जिसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, मिनिमम था, क्योंकि यहां पर आपका जो आई है वो एक्सिस के अंदर ही इंक्लूड हो गया, और आई का मास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने आई को इंक्लूड कर दिया तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जीरो हो जाएगा। तो इस केस के अंदर इस एक्सिस के अलोंग जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो मिनिमम निकल कर आ रहा था, यानी कि आप लोगों ने यहां पर IA को डिफाइन कर दिया। और जैसे ही आप लोगों ने IA को डिफाइन किया तो आपको दो ऐसी एक्सिस ढूंढनी पड़ी जिसके अलोंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, सेम था, तो वो भी आप लोगों ने यहां पर ढूंढ ली, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली कंडीशन आप लोग क्या बोलते हो, प्रोलेट मॉलिक्यूल बोलते हो। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिक है या फिर नहीं है, और अगर सिमेट्रिक है तो उसके अंदर से ऑब्लेट या फिर है, उसके अंदर से ऑब्लेट है या फिर आपके पास प्रोलेट है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अपने मॉलिक्यूल को देखना है। अगर आपके मॉलिक्यूल के पास हाई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे कि उसके पास जो पॉइंट ग्रुप है वो TD पॉइंट ग्रुप हो, OH पॉइंट ग्रुप हो, या फिर IH पॉइंट ग्रुप हो, उस केस के अंदर जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो स्फेरिकल रोटर के अंदर आएगा। अगर आपके मॉलिक्यूल के पास C2 एक्सिस है तो उस केस के अंदर आपका मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, एसिमेट्रिक रोटर मॉलिक्यूल हो जाता है। अगर आपके पास मॉलिक्यूल के पास C3 एक्सिस हो या फिर C3 से बड़ी एक्सिस हो, उस केस के अंदर आपका मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो जाता है। और सिमेट्रिक के अंदर भी आपको प्रोलेट और ऑब्लेट के अंदर क्लासिफाई करना आना चाहिए, जो हमने अभी अभी सीख लिया। तो अब आपके पास बच गया सिर्फ एक और कैटेगरी, जो कि आपके पास क्या है, लीनियर रोटर है। तो उसको भी हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं। तो अभी तक आपने जितने भी कंडीशन देखी उसके अंदर या तो आपका क्या हो रहा था, IA इक्वल टू IB इक्वल टू IC हो रहा था,
था, पहली कंडीशन में ये था। सेकंड में आप कह रहे थे कि ना तो आपका आई बी के बराबर है और ना ही आपका आई बी आई सी के बराबर है। थर्ड कंडीशन में आप लोग कह रहे थे कि आपके पास आई ए आई बी के इक्वल हो जाए और आपके पास ये नॉट इक्वल टू आई सी हो जाए, या फिर आपका आई ए जो है वो नॉट इक्वल टू आई बी हो जाए लेकिन जो आपका आई बी है वो आई सी के बराबर हो जाए। ये कंडीशन आप लोगों ने देख ली और हर एक कंडीशन के अंदर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना तो ए के अलोंग, ना तो बी के अलोंग, ना तो सी के अलोंग जीरो होना चाहिए। लेकिन लीनियर रोटर वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसके अंदर आपके पास तीनों एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके अंदर से एक आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए। आउट ऑफ थ्री मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज आई ए इक्वल टू जीरो। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब जीरो होगा जब आप जो एक्सिस को चूज कर रहे हो जितने भी आपके पास एटम्स है मोलिक्यूल के अंदर वो सारे के सारे एटम्स आपके पास क्या हो, एक्सिस के ऊपर ही हो। और ये चीज कब पॉसिबल हो जाएगी, जब आपके पास मोलिक्यूल कैसा होता है, लीनियर मोलिक्यूल होता है। एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया हुआ है HCN, जैसे कि मान लीजिए मैं एक्सिस को लूंगा तो इसके एक्सिस के लंबाई पर क्या हो जाएगा, आइए जीरो के बराबर हो जाएगा। एंड इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, एंड अदर टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉन इक्वल टू जीरो। तो अगर आप लोग एक्सिस को ये ले लोगे तो आपके पास नॉन जीरो ही आएगा, ऑब्वियसली एच और एन जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर। अगर आप लोग इस कार्बन से आउट ऑफ द प्लेन ऐसी एक्सिस लोगे तो उसके लोग भी आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। अब आप लोगों ने अपने मोलिक्यूल को क्लासीफाई करना सीख लिया है कि कौन सा मोलिक्यूल आपके पास स्फेरिकल टॉप मोलिक्यूल होगा, कौन सा मोलिक्यूल आपके पास एसिमेट्रिक रोटर होगा, कौन सा मोलिक्यूल सिमेट्रिक रोटर होता है और कौन सा मॉलिक्यूल आपका लीनियर रोटर होता है। तो अब आने वाली क्लासेस के अंदर जब हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से मॉलिक्यूल किस टाइप का रोटर होगा ताकि आप लोग उसकी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी अच्छे से पढ़ लो। तो क्लासीफाई करना आप लोगों ने सीख लिया है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आपके पास यहां पर 10 मॉलिक्यूल मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, आपको इन 10 मॉलिक्यूल को क्लासीफाई करना है कि ये कौन-कौन से आपके पास रोटर हैं, क्या ये स्फेरिकल हैं, क्या ये आपके पास सिमेट्रिक हैं, क्या ये एसिमेट्रिक हैं, या फिर ये लीनियर है। निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं, तो इन 10 मॉलिक्यूल के लिए प्लीज आप लोग निकालना, निकाल कर देखिए कैसे आप लोग इन चीज़ को निकाल लोगे। बाकी आंसर्स भी मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, मैंने लेकिन आंसर लिखे हुए लेकिन फिर भी आप प्लीज इनको कर देखिएगा। और आंसर भी मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 के ही लिखे हुए हैं, बाकी के 5 आपको खुद कर देखने हैं। तो मैं एक बार मॉलिक्यूल यहां पर पढ़ देता हूं। मैंने यहां पर लिया हुआ है क्लोरोबेंजीन, आपको देखना है कि क्लोरोबेंजीन जो है आपके पास इनमें से किस कैटेगरी के अंदर आता है। वाटर आपको देखना है, अमोनिया आपको देखना है, OCS है, SO4 नेगेटिव है, CCl4 है, CH3CN है, UF6 है, बेंजीन है और BF3 है। तो बाद के दोनों के अंदर से बेंजीन और BF3 तो मैंने कराई दिया आपको, CL4 तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल हो जाता है। ये आपके पास क्या है, लीनियर है, और ये आपके पास क्या है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। तो जो 5 मैंने आपको नहीं कराए हैं वो तो वैसे भी ईजी है, आप आराम से उनको कर लोगे। जो पहले के 5 हैं उनके मैंने आंसर आपको दिए हुए हैं, आप लोग इन्हें कर देखिएगा। अगर आपके आंसर्स मैच नहीं हो रहे हैं, कोई भी कन्फ्यूजन आपको है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं आपके डाउट को भी क्लियर कर सकूं। आपको क्लोरोबेंजीन का देखना है, वाटर का देखना है, अमोनिया का देखना है, OCS का देखना है और SO4 नेगेटिव का देखना है। इनके आंसर्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके मॉलिक्यूल्स के पास C2 है या फिर C2 नहीं है। अगर C2 है तो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, वो एसिमेट्रिक हो जाएंगे। लेकिन अगर C2 नहीं है, उससे बड़ी एक्सिस यानी कि C3 है, C4 है, तो उस केस के अंदर आपके पास क्या हो जाते हैं, सिमेट्रिक हो जाते हैं। और सिमेट्रिक के अंदर भी आपको डिफाइन करना है कि आपके पास ये ऑब्लेट है या फिर आपके पास प्रोलेट है। अगर मॉलिक्यूल परफेक्ट है यानी कि टेट्राहेड्रल जैसा होता है तो क्या हो जाएगा, आपके पास स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो जो 5 मैंने यहां पर नहीं लिखे हुए हैं, 5 भी काफी ज्यादा इजी है। CCl4 परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता है, ये वाला मॉलिक्यूल मैंने क्या दिया हुआ है, लीनियर दिया हुआ है। UF6 क्या है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। बेंजीन और BF3 तो मैं आपको क्लास के अंदर ही करा चुका हूं। तो ये 5 तो मैंने कराई दिए हैं, बिल्कुल इजी हैं। ये 5 आप लोग कर देखिएगा, आंसर मैंने यहां पर आपको दिए हुए हैं। अगर आपके आंसर्स मैच नहीं हो रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट को जरूर मेंशन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास से पहले मैं आपको आपके डाउट बता सकूं, राइट। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ना है तो आपको 2 चीजें आनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो वो आपको आता है। उसके बाद आपको अपने मॉलिक्यूल को क्लासीफाई करना आना चाहिए, तो वो भी अब आपको आता है। यानी कि अब आप तैयार हो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने के लिए, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट कर देंगे और जितने भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम लोग साथ ही साथ क्लास के अंदर ही करते रहेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहां कोई नया लेक्चर अपलोड करूं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग RJ Academy को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज एप्रिशिएबल गाइज। आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहेंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।